में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, असामाजिक तत्वों को खुलेआम संरक्षण दे रही है, जनता के मन में खौफ पैदा किया जा रहा है। जनता परेशानियों से त्रस्त है और कांग्रेस लूट में व्यस्त है। साथियों, एक बार कोयले से कालीख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और चुनाव के बाद सिर्फ अपनी जेबें भरना, यही कांग्रेस का काम है। कर्नाटक को कांग्रेस ने अपना फैमिली एटीएम बना लिया है। पार्टी और परिवार के खर्चे पूरे करने के लिए कर्नाटक की जनता की मेहनत की कमाई यहां से सप्लाई की जा रही है। साथियों, जहां राज्य की सारी पूंजी कुछ लोगों का पेट भरने में, जेब भरने में, तिजोरी भरने में खपने लगती है, वहां सबसे पहले कुशासन, अव्यवस्था और अराजकता चारों तरफ हर स्तर पे फैलना शुरू हो जाती है। इसलिए कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना तो दूर, उल्टा कर्नाटक के हालात दिन पर दिन बदहाल होते जा रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन जवाब में जनता को बिजली की कटौती मिली, अंधेरा मिला। आज किसान पूछ रहे हैं कि जब बिजली ही नहीं है तो खेतों में पंप सेट कैसे चलेंगे। इन लोगों ने किसानों से एक और धोखा किया। हर किसान को पता है कि मोदी सरकार यहां के 55 लाख किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे भेजती है। ये योजना किसानों के लिए वरदान जैसी है। पहले बीजेपी की राज्य सरकार किसानों को इसमें 4000 रुपये जोड़कर देती थी, लेकिन कांग्रेस वालों ने ये 4000 रुपये देने का प्रावधान बंद कर दिया। साथियों, ये लोग युवाओं से बड़े बड़े वादे करके सरकार में बैठ गए, लेकिन आज ये उन्हीं युवाओं को उनकी स्कॉलरशिप रोक रहे हैं।
स्कॉलरशिप में कटौती कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही है जो नौजवानों के हक मारने का पाप कर रही है। कांग्रेस की लूट का हाल ये है कि छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए भी सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। विधायकों को कह दिया गया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, हाथ ऊपर कर दिए। कलबुर्गी के मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या कोई सरकार ऐसे चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? कर्नाटका का भला कर सकती है क्या? आपके सपने पूरे कर सकते हैं क्या? उनके वादे पूरे हो सकते हैं क्या? कांग्रेस भी ये जान चुकी है कि ये दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए कांग्रेस का एक ही एजेंडा बचा है, जितना लूट सको लूट लूटो। क्या आप लूटने देंगे क्या? लूटने देंगे क्या? साथियों, अब राज्य सरकार इस तरह काम कर रही हो, आपको लूट रही हो, तो ये बहुत जरूरी है कि संसद में आपकी आवाज जरूर पहुंचे। कर्नाटका को लूट से बचाने के लिए सांसद के रूप में मुझे एक रक्षा कवच बनाना है, ताकि इन पे निगरानी रहे, हर पल मुझे दिल्ली में खबर रहे और कर्नाटक की जनता के